ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਹਾਓ ਆਰ ਯੂ? ਆਈ ਐਮ ਸਤੀਸ਼, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੈਸੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੂੰ ਔਰ ਆਜ ਹਮ ਆਪਕੋ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟਸ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ। ਤੋ ਅਭੀ ਜੋ ਮੈਚ ਖੇਲਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2019, ਐਂਡ ਫਸਟ ਮੈਚ ਹੁਆ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਥ ਜਾਣਤੇ ਹੀ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ। ਉਸਮੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੀਤਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਗਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਮਿਸਟਰ ਮੈਹੁਲ, ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਫਰਾਈਡੇ ਕੋ ਥਾ 31st ਮੈਂ, ਔਰ ਵੋ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ के बीच में था, और पाकिस्तान बहुत ही पूरी तरह से आ रहा है। लगभग 105 रन ही बनाए थे और वेस्ट इंडीज़ ने 3 विकेट में 108 बना दिए। सो अभी पाकिस्तान बहुत अच्छा तो नहीं खेल रहा, लेकिन वेस्ट इंडीज़ यहाँ अच्छी तरह से उभर का है। और उसमें श्रीलंका का भी वही हाल था, दोनों एशियन टीम का बुरा हाल है। ऑलमोस्ट उन दोनों से बेटर अफगानिस्तान ने किया था, वो ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने 207 रन बना दिए, जबकि पाकिस्तान उतने भी नहीं बनाए, ऑलमोस्ट हाफ ही बना सका। और आज की मैच है वो साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश के बीच में, और बांग्लादेश यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है। अभी तक का हाल बताए तो 177 पे 2 विकेट है। तो अभी के दौरान जो मैच खेले गए हुए हैं उसमें ये पता चलता है कि एक साइड मैच हो रहा है, ऐसे कोई रोमांचक मैच नहीं हो रहा है, पर आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो अनिश्चितताओं का खेल है। क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं बता सकते, पर देखते हैं फ्यूचर में ऐसे मैच खेले जाएंगे जो काफ़ी रोमांचक हो गए, और अच्छी टीम है, सब अच्छे प्लेयर्स भी है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। आज अब हमारे मेहुल साहब हमको आपको बताएंगे कि आप अगर इंटरनेट पे फ्री देखना चाहते हो वर्ल्ड कप तो कैसे देख सकते हैं। इन्होंने थोड़ी सी छानबीन की है इंटरनेट पे, और आप जब करोगे तो आप अपने डेटा चार्जेस चेक कर लेना, और अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेनी है तो ज़रूर ले, गलत डाउनलोड कुछ इलीगली नहीं करना ताकि किसी को कोई गड़बड़ ना हो। सो अब मेहुल साहब बताएंगे आप प्लीज़। आप कोई भी मैच देख सकते हैं, इंग्लैंड के बीच, इंडिया के बीच, साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड कप की सभी मैच है हॉटस्टार इंडिया पे आएगी। द वेबसाइट का नाम है hotstar.com और hotstar.in, और उसका ऐप भी है, वो भी आप प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं। hotstar.com hotstar.in और गूगल के ऐप पे भी है। ओके, तो उस पे आप ऑन एयर देख सकते हो लाइव। कुछ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट रहेगा, वो आप 2 महीने का करवा सकते हैं, वो उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप इंडिया में है तो 300 या 400 रुपये का ही है, वो आप पूरा वर्ल्ड कप उसमें देख सकते हो, उसके उसी प्राइस। हाईलाइट्स भी आएंगी? हाँ, सब कुछ आएगा, और जो मैच के पहले की कॉमेंट्री आती है वो, और आफ्टर मैच जो डिस्कशन होता है वो भी उसमें आएगा लाइव। जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे देखने वालों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। सतीश, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप क्विकली शेयर कर सकते हो? या श्योर, अगर आपको फ्री में देखना है, अब हॉटस्टार के अलावा और भी एक लिंक है जिसे थोप टीवी कहते हैं, स्पेल है THOP TV, थोप टीवी, थोप टीवी, THOP.TV। उसको डाउनलोड करके और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप उसमें काफ़ी सारी टीवी चैनल्स होगी, लाइक मूवी चैनल्स, क्रिकेट चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, तो आप क्रिकेट चैनल पे जाके उसमें एस्ट्रो क्रिकेट HD उस पर क्लिक करिएगा तो आपको लाइव मैच देखने। ये थोप टीवी, thop.tv की वेबसाइट पे जाके उधर से इंस्टॉल करना है कि गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है ये ऐप? वो आपको वेबसाइट में से करना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट से। और इसका कोई चार्जेस थोप टीवी का? सो ये वॉलंटरली फ्री बना है।
डेटा चार्जेस लगेंगे, डेटा ओके ओके ओके, अभी के लिए फ्री है तो अब सब लोग अपना लाभ उठाएं और कोई भी बॉल और मैच मिस ना करे। हम अभी के लिए इतना ही, फिर आपके लिए हम फिर और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, या बाय बाय, सी यू लेटर, बाय, थैंक यू।